ପୁରାତନ କାଳରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଏହା 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଉଜୁଡି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡି ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଟିମ୍ର ଅଭିଯାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିନି ଆଜି ତା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ କୁନ୍ଧରାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜନବସତିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମଣିଷର ସାହସ ବି ହାର ମାନିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। राजस्थान में खूबसूरती है, कल्चर है और बेहद शानदार फिजा है, लेकिन उसके साथ ही रहस्य से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका हल आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसी ही एक कहानी है कुलधरा की, एक ऐसा गांव जो सदियों पहले बसा और फिर एक ही रात में उजड़ गया। कहते हैं कि इस गांव में रात में जाना मना है, आखिर क्या है हकीकत, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गाँव में। କୁଲଧରାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଧରା ଜନଶୂନ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ଆଖପାଖର 84 ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ପାଲିୱାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସତେ ଯେମିତି କୁଲଧରା ଉପରେ କାହାର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଦେୱାନ ସାଲିମ ସିଂ। ସାଲିମ ସିଂ ଯଦି 11 ସାଲ କେ ଥେ ତବ ଉନକେ ପିତା କା ମର୍ଡର उसके राजकुमार ने ही, यहाँ के राजकुमार ने ही सरे सभा में किया था, और उसका सालम सिंह जो है वो चश्मदीद गवाह था। उसके दिमाग पर जो है इसका बहुत बुरा असर हुआ, और जब वो उसका मंत्री बनने की बारी आई तब उसने चुन चुन कर बदले लिए इन सब से। जब वो वापस दीवान बना पाली वालों पे, फिर टैक्स लगाने की कोशिश की उन्होंने, और पालीवाल चूंकि इसी शर्त पे बैठे थे कि हम टैक्स नहीं देंगे। अवैध टैक्स रो प्रचलन तो आरंभ हैला, किंतु पालीवाल ब्राह्मण मानकर जीवन प्रति मध्य आशंका देखा देला। गांव रो जने पूजकों को झियो उपरे सालिम रो खराब नजर पड़िला, आउ से सुंदरी युवती को पाइबा पाई सालिम सिंह व्याकुल होई पड़िला। सालिम सिंह ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ମହଲତ ଦେଲା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗାଁର ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଯୁବତୀର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କେ ଅନ୍ଦର ପାଲେବାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ବଚି କିନା ସେବା କରତେ ହୁଏ ବଚି କୁ ଦେଖ ଲିଆ ତୋ ଉସନେ ବୋଲା ଇସ ଲଡ଼କି ସେ ଶାଦୀ କରିଲେ। ହମ ପାଲେବାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୟା ହମାରୀ ଗୋତ୍ର ସବସେ ହମାରା ଧର୍ମ ଅଲଗ ହେ ହମାରୀ ବଚି ନହିଁ ଲେ। लेकिन अपने को क्या करना है, ऐसे करो एक रात के अंदर, कितने समय में, एक रात के अंदर अपने जैसलमेर जिले में जो 84 गांव पालेवाल ब्राह्मण लोग है, तीन तीन चार चार मेजलियाँ मेड़ियाँ मंडी छोड़ के, घर धनपुरी से भंडार भरा छोड़ के, राम धर्म से गाय के बिछड़े बाड़ा कंदर छोड़ के, अपना सत्य अपना धर्म अपना कर्म ले के जैसलमेर जिला छोड़ देना, लेकिन अपना लड़की स्कूल। ଗାଁର ମଣ୍ଡପରେ ପାଲିୱାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଆଉ 5000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲଧରା
जनशून्य होइगला सेठारे काउ कोइली को भी देखिबा को मिले नहीं। कुहा जाए ब्राह्मण माने गाँ छाड़ी जीवा बेले एही स्थान को अर्थात कुलधरा को अभिशाप देथिले। जो भी यहाँ पर बसेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसके जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये गांव श्रापित गांव है। कुहा जाए सही दिन ठारु आज पर्यंत एई गा अशरीरी आत्मा मानंक नियंत्रण रे रहिछि। कुहा जाए एही अशरीरी शक्ति माने एठाकु आसुथिबा व्यक्ति को सेमानंक उपस्थितिर सूचना दियंति। परिवर्तित समय रे 82 गाँव पुणी जनबसती गढ़ी उठिला, किंतु दुईटी गाँ आज पर्यंत जनशून्य अवस्था रे अछि। प्रथमटी होउछि कुंधरा, द्वितीयटी होउछि खाबा। कुंधरा की कहानी आपने समझ ली, और अब जब सूरज डूब रहा है उस वक्त हम पहुंच गए हैं कुलधरा। तो कुलधरा हम पहुंचे हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम के साथ, और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कुलधरा के बारे में कितना सुना है आप लोगों ने? सर जिससे जुबान से सुनो वो यही कहता है कि कुलधरा में शाम के समय जाना मना है। शाम के बाद जाना कुलधरा में मना है, मुझे बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं हम यहाँ पर? उम्मीद तो सोहेल जी जाने के बाद ही पता लगेगा, अभी तो कहा नहीं जा सकता। बस किससे कहानियों में या इंटरनेट वगैरह पर भी हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 1 पर है ये। श्रापित है, ब्राह्मणों का श्राप है, बस बाकी वहाँ जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या होता है। तो श्रापित है, ब्राह्मणों का श्राप है, और आखिर इस श्राप का असर हम पर कितना होता है यही देखने के लिए हम जा रहे हैं कुलधरा। जैसलमेर ठारू प्राय 18 किलोमीटर रो यात्रा परे आमे पहुंचिलु कुलधरा रे। सबु किछि सेमिति थिला जेमिति कुहा जाइथिला। ए घर सबु सते जेमिति अतीतर मुकसाखी रूपे ठिया होइथिले। घरर अगणा द्वार सीढ़ी एवं प्रकोष्ठ सबु किछि सेमिति अछि। एई गाँटी एबे भारतीय पुरातत्व विभाग बा एएसआई नियंत्रण रे रहिछि। केवल दिन बेले पर्यटक मानंकु एठाकु जिबा पई अनुमति मिले। शह शह पर्यटक आसंती एही प्राचीन ऐतिह्य को बुली देखंती, किंतु एकुटिया फेरंती नाही। सेमानक सहित किछि कहानी किछि अनुभूति भी फेरी थाए। गाँरे एक मंदिर अछि जहां आज भी अभिशापरु मुक्त। कुहा जाए संध्या परे सबुदिन एठारे अद्भुत शब्द सुना जाए। लोकंक मतरे से सबु शब्द हेउछि अष्टादश शताब्दीर पालीवाल ब्राह्मण मानंकर जंत्रणा और क्रोधर प्रतिफलन। गाँर एमिति किछि घर अछि जेउठि किछि रहस्यमय छाई देखा जाए बोली दाबी हुए। लोके कहंती राती समय रे जिए भी एठाकु आसिछि से कौनसी ना कौनसी भयानक घटना को सामना करिछि। किछु दिन पूर्वरु कुंधरार रहस्य उपरे अनुसंधान करुथिबा एक टीम एमिति एक घटना को सामना करिथिला। संध्या समय रे सेमानक ड्रोन कैमेरा गाँर चित्र उत्तोलन करुथिला। किंतु एक रहस्यमय बांफी उपरे कैमेरा उड़ीबा समय रे नियंत्रण हराई भूमि उपरे कचाड़ी होई पड़िला। सते जेमिति किए जने कैमेरार उपस्थिति को सह्य करि पारु नथिला, किंतु आमे निष्पत्ति नै सारिथिलु जे कोनोसी शक्ति को आमे सामना करिबु। जेउ स्थान को केही भी जाई नाहंती आमे सेठा को जिबु। जहाँ को कोनोसी कैमेरा धरि पारि नाही आमे सही सबु चित्र देखाइबु। एवं सकाळ हेबा मात्रे 200 वर्ष तळर अंधविश्वास रहस्य उपरु पर्दा उठाइबु। किसी वैज्ञानिक उपकरण एवं पारानॉर्मल सोसाइटी रो टीम सहित आमे देशर सबुठू भयानक गाँ भीतर को प्रवेश करू। सदियों पहले जो गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया, करीब
950 मकान जो हमेशा के लिए खाली हो गए उनमें आज दोबारा रोशनी है, और वो रोशनी हमारी लाइट्स की है। हमारे साथ कुलधरा के केयरटेकर आलोक जी हैं, जो पिछले 23 साल से इस इलाके की देखरेख करते आ रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्यों इतना खौफ है? देखो, लोगों का मानना है कि यहाँ भूत है, और कुछ ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो लोगों को विश्वास है कि भाई यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं रात को भटकती है। क्या क्या घटनाएं घटती हैं? देखो, एक तो जैसे गाड़ी है, तो जो गाड़ी खड़ा करता है तो उसके कांच के ऊपर मतलब हाथ और पैर के पंजे आ जाते हैं, या कुछ जैसे बच्चे हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं तो उनमें वजन ज्यादा हो जाता है, या कुछ ऐसी है जो डरावनी आवाजें आती है। सभी लोग डरते हैं नरमुंड से। आपने नरमुंड की माला पहनी हुई है? तो देखिए कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे भूत दोस्त हैं, तो मेरे को इनसे कोई खौफ नहीं है और वो मेरे को कुछ नहीं करते। तो आपने अपने दोस्तों से मुलाकात की है? जरूर, सैकड़ों बार करी। कौन हेबो काली सकाळे ई गां सहित जड़ित सब अंधविश्वास पर्दाफाश हेबो? कोण कुलधरा सापमुक्त हेबो? आसंता वर्ष ओडिशारे 5G सेवा मिलिबो, एने सूचना देछंती केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। आसंता वर्ष मार्च सुधा ओडिशा को प्रवेश करिबो 5G। वर्षर शेष सुधा राज्यर अनेक सहररे 5G सेवा पहुंचिबो। मार्च रे ओडिशार 8टि सहररे 5G सेवा आसिबा नै सूचना देछंती केंद्र मंत्री। देशरे फेज 1 रे चलिथिबा प्रोजेक्टरे ओडिशार किछि सहर रहिछि। एहि क्रमरे आसंता वर्ष ओडिशावासी 5G सेवा पाइबे बोली सूचना देछंती केंद्र मंत्री। भुवनेश्वर रेल स्टेशन्रे हेबो नवकळेबर, विश्वस्तरीय स्टेशन्रे हेबो रूपांतरण। एथिपाईं प्लानिंग डिजाइन सहित टेंडर प्रक्रिया शेष होइछि। खूब शीघ्र भूमिपूजन होइ आरंभ हेबो काम। एने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव देइछन्ति सूचना। भूमिपूजन करिबा पई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधानकु अनुरोध करिछन्ति रेलमंत्री। भुवनेश्वर रेल स्टेशन्रे देशर प्रथम आलुमिनियम पण्यवाही रेल रैक उद्घाटन कार्यक्रमरे ए सूचना देइछन्ति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलमंत्री पताका हलाइ आलुमिनियम रेल रैक बगीर शुभ उद्घाटन करिछन्ति। ए रैक्रे 61 बगी रहिछि, सारा भारतरे एहा परिवहन करिबो। एहि मालवाही ट्रेन परिवेश उपयोगी, स्टील पण्यवाही ट्रेन तुलनारे जथेष्ट हालुका। आलुमिनियम बगी स्टील बगी तुलनारे 180 टन हालुका हेबा सहित 5-10% अधिक परिमाणर माल परिवहन करिपारिबो। ठिका निजुक्ति उच्छेद निष्पत्ति कार्यकारी नै आसिला विधिवत विज्ञप्ति। राज्य सरकारक ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ठिका निजुक्ति उच्छेद नै विज्ञप्तिरे उल्लेख कराइछि। 2013 अधिनियम अनुजाई एही 3टि श्रेणीर ठिका कर्मचारी जेमन अति कमरे 6 वर्ष चाकरी करिथिबे सेमानक नियमित कराजिबो। साधारण प्रशासन अभियोग विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। इनिशियल अपॉइंटी एबे सरकारक स्थायी कर्मचारी निजुक्ति पाइबा दिनठारु सेमानक इनक्रीमेंट हिसाब कराजिबो। कुलधरार सुनसान अंधार राति, एही जनशून्य गाँ दाण्डरे केवल थिलु आमे। आम सहित थिले पारानर्माल सोसाइटीर पूरा टीम, 24 वर्षर पुरातन केयारटेकर एवं एहा सहित जड़ित भयानक कहानी। आमे अनुसंधान आरंभ कलु सेही घरु जहाँ सबुठारु अधिक भयानक बोली कुहाजाए। आलोक जी, ये दावा कर रहे हैं कि ये वो कमरा है आपके पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पीछे ये वो कमरा है जहाँ से आवाज़ें आती हैं। आलोक जी, किस तरह की आवाज़ें आती हैं इसमें? आवाज़ें चीखने की आती है, जो लेडीज़ की होती है कि भाई मेरे को बचाओ, या कुछ ऐसे चिल्लाने की वो आती है। जबकि मैंने भी एक दो बार सुनी है, और बाकी यहाँ जो पर्यटक जो रात को आते हैं, जिसको शौक़ है भूत देखने का, वो भी यहाँ आके बैठते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई हमने आवाज़ें सुनी, हम भग के बाहर गेट की तरफ आ गए। इसलिए कन्फर्म है कि यहाँ आवाज़ें आती है। 200 वर्ष तले ए प्रकोष्ठ से ही युवतींकर थिला, जहाँ को पाइबा पाई देवान सालिम सिंह लोकों ऊपर जघन्य अत्याचार करूथिला। से युवती जनक एठारु खसी पड़ाइथिले, किंतु कहुए तांकर आत्मा यही स्थान को फेरी आसीला निजर पुणा घर को अति आपणार कुलधरा। और ये वही डरावना कमरा है जहाँ ये मंदिर के पास वाला है, जो पुजारी का हुआ करता था, उसमें आवाजें खूब आती है।
पुजारी के कमरे से लड़की की आवाज आना एक कहानी भी है उसके पीछे, क्योंकि वो जैसे पुजारी की लड़की से जो यहाँ का दीवान था सालम से, वो शादी करना चाहता था और उन्होंने मना कर दिया था। गोविंद, आत्माएं भटक रही हैं, आवाजें आना पूरी तरह से जायज है, तो क्या कहते हो तुम इस बारे में? सर, इसके बारे में हम लोग अपने इक्विपमेंट्स में चेक करेंगे और फिर उसके बाद ही बता पाएंगे इन बातों में कितनी सच्चाई है। एबे समय आसीथिला वैज्ञानिक उपकरण सहाय्य रे एही प्रकोष्ठर सत्य को खोजी बाहर करबा पाए। गोविंद एही यंत्र सहाय्य रे जानिबा को चेष्टा करथिले आमो चारिपाखरे किछि शक्ति अछि कि नाही, जहाँ को स्थानीय लोके अलौकिक शक्ति कहंती। क्या कोई हमारे आसपास है जो अपनी मौजूदगी बता सके हमें? आप तीन लाइट जला करके बता सकते हैं? तीनोटी लाइट यहाँ द्वारा प्रमाणित हो जीव एठारे कौनसी शक्ति रही। क्या आप इस मशीन में लाइट जला करके बता सकते हैं? किंतु यही यंत्र रे किसी परिवर्तन घटू नहीं। आप तीन लाइट जला करके बता सकते हैं? मोशन सेंसर रे किसी भी परिवर्तन घटिला नहीं। आलोकों सहित आम कुलधरार सबुठार बड़ घर को जाऊ, किंतु आम कार काचरे एक अद्भुत चिन्ह देखा पाइल। कार काच उपरे हाथ चिन्ह थिला, जहाँ स्पष्ट भाव देखा जाऊला। चिन्ह से ही अदृश्य आत्मा मानकर बोली आलोक दावी कले। एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आलोक जी ने हमसे कहा था कि आपकी गाड़ी के शीशों पर निशान आएंगे, हाथ के पंजों के और पैर के पंजों के, हाथ के पंजों के और पैर के पंजों के। अब हम वापस जब अपनी गाड़ियों के पास आए हैं तो एक हाथ का निशान, एक पंजे का निशान यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं अपने हाथ से दिखाता हूँ, ये देखिए, एक हाथ का निशान यहाँ पर बना है। आलोक जी, क्या है ये? अलौकिक शक्तियाँ है जो ये पंजे लगाते, मतलब वो यहाँ रहती है। आमे भाविलु हुए तो अजाणत आम टीम कौनसी सदस्य हाथ कार काच उपरे लागी जाइथिबो एवं ए चिन्ह तांकर ही होइथिबो। कुलधरा में 970 मकानों के खंडर हैं, तो 970 कहानियां भी हैं। आलोक जी, अब हमको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जिसकी कहानी एक चोरी से भी जुड़ी है और एक बहुत बड़े हादसे से भी। आलोक जी, ये जो जगह है क्या है और क्या हुआ था? ये इस गाँव का सबसे बड़ा मकान है। यहाँ जो इस गांव का प्रधान था आखिरी रुद्रदत्त पालीवाल, वो रहता था, उसका रेजिडेंस था और वो पैसे वाला था। और इसी मकान में एक अंडरग्राउंड बना है। आज से 15-16 साल पहले कुछ फॉरेनर लोग यहाँ आए थे, तो उनके पास कुछ ऐसी मशीनें थी जो डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर की, तो उन्होंने यहाँ कुछ खुदाई करी थी। इसी अंडरग्राउंड से सोना चांदी के सिक्के निकाले थे, फिर वो गांव वालों की सूझबूझ और पुलिस की थोड़ी सतर्कता से पकड़े गए। घर का जो मालिक था वो बहुत ही बड़ा तपस्वी और पुजारी था, तो पैसे वाला था, इसमें गड़ा हुआ धन था। और लोग कहते हैं कि जहाँ गड़ा हुआ धन होता है वहाँ कोबरा रहता है, और इसी अंडरग्राउंड में आज भी ये कोबरा विद्यमान है। यही कहानी आम पाई केवल एक कहानी थिला। अनुसंधान पाई आम यही घर भीतर को प्रवेश कलु। घर वास्तविक बहुत बड़ थिला। आमको कहगला यही घर भीतर एक कोठरी अच्छी, एठारे पालीवाल ब्राह्मण मानकर गुप्त भंडार थिला। कहानी अनुसार आज भी से गुप्त भंडार सुरक्षा दायित्व रे अछि एक विषाक्त नागसाप और किसी अदृश्य शक्ति। अरे भाई, अंदर कोई है तो निकल जाओ रे। ये क्यों कर रहे? ये मतलब अगर कोई आत्मा वगैरह है तो निकल जाए। अच्छा, ठीक है ना, इसलिए अपन सेफ हो जाएंगे। रूम रो गोटिए कोण रे सही गुप्त भंडार को रास्ता थिला। संभवतः एहा ही थिला पालीवाल ब्राह्मण मानकर गुप्त भंडार, किंतु एठारे अदृश्य शक्ति मानकर उपस्थिति को ग्रहण करिबा सहज नथिला। ये वो जगह है जहाँ पर जो बाहर के इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे, आलोक जी बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ से सोना चांदी निकाला। और दिन में भी यहाँ पर कोई कदम नहीं रखता, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एक कोबरा रहता है। अब कोबरा को तलाशने की हमारे पास, हमारी जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के दोनों लोग हैं, हमारे पास कोबरा को तलाशने की तो कोई मशीन है नहीं। लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अंदर ख़तरा बहुत है। और जैसे आलोक जी ने कहा, आलोक जी अगर अंदर उतरने की कोशिश करें तो क्या होगा? नहीं तो फिर आप अपने रिस्क पे जाइए, तो अंदर जाना मतलब सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है। आप कृपया नहीं जाएं तो ही अच्छा रहेगा।
आसंता वर्ष ओडिशारे 5G सेवा मिलिबो एने सूचना दैछन्ति केन्द्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। आसंता वर्ष मार्च सुधा ओडिशा को प्रवेश करिबो 5G। वर्षर शेष सुधा राज्यर अनेक सहररे 5G सेवा पहुँचिबो। मार्च रे ओडिशार 8 सहररे 5G सेवा आसिबा नै सूचना दैछन्ति केन्द्र मंत्री। देशरे फेज 1 रे चलिथिबा प्रोजेक्ट रे ओडिशार किछि सहर रहिछि। एहि क्रमरे आसंता वर्ष ओडिशावासी 5G सेवा पाइबे बोली सूचना दैछन्ति केन्द्र मंत्री। भुवनेश्वर रेल स्टेशन्रे हेबो नवकळेबर विश्वस्तरीय स्टेशन्रे हेबो रूपांतरण। एथिपाईं प्लानिंग डिजाइन सहित टेंडर प्रक्रिया शेष होइछि। खूब शीघ्र भूमिपूजन होइ आरंभ हेबो काम। एने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव दैछन्ति सूचना। भूमिपूजन करिबा पई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधानकु अनुरोध करिछन्ति रेलमंत्री। भुवनेश्वर रेल स्टेशन्रे देशर प्रथम आलुमिनियम पण्यवाही रेल रैक उद्घाटन कार्यक्रमरे ए सूचना दैछन्ति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलमंत्री पताका हलाई आलुमिनियम रेल रैक बगीर शुभ उद्घाटन करिछन्ति। ए रैक्रे 61 बगी रहिछि। सारा भारतरे एहा परिवहन करिबो। एहि मालबाही ट्रेन परिवेश उपयोगी स्टील पण्यवाही ट्रेन तुलनारे जथेष्ट हालुका। आलुमिनियम बगी स्टील बगी तुलनारे 180 टन हालुका हेबा सहित 5-10% अधिक परिमाणर माल परिवहन करिपारिबो। ठिका निजुक्ति उच्छेद निष्पत्ति कार्यकारी नै आसिला विधिवत विज्ञप्ति। राज्य सरकारक ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी ठिका निजुक्ति उच्छेद नै विज्ञप्ति रे उल्लेख करा जाइछि। 2013 अधिनियम अनुजाई एही 3 श्रेणीर ठिका कर्मचारी आमे भितरकु गलु नाही किंतु टॉर्च आलुअरे गुप्त भंडारकु तन्न तन्न करि देखिबाकु चेष्टा कलु। होइ पारे एठारे साप थिबो किंतु आमकु किछि देखा गला नाही। अद्भुत शक्ति तो बिल्कुल नुहे। आमर परवर्ती लक्ष्यस्थल थिला कुंधरार सबुठारु भयानक स्थान। से रहस्यमय बांफी जेउठी केवल स्थानीय लोके नुहंती बरं पर्यटक माने मध्य रहस्यमय छाई देखिथिबार दाबी करंती। किंतु ता पूर्वरु जरूरी थिला आलोकंकर से दाबीर अनुसंधान। सब रात के करीबन 11:30 बज रहे हैं और हम बहुत देर से यहाँ पर आसपास घूम रहे थे। वापस उस जगह पर आए हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के आप दोनों लोग हैं भाई, आप गाड़ी को चेक करिए ठीक है, और फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपको कोई निशान यहाँ पर दिखा है। गाड़ी आपके पास है, टॉर्च है, लाइट है। गोविंद एवं चंद्रप्रकाश गाड़ी रो काचो को निरीक्षण करिबा आरंभ कले। गाड़ी रो बाम पटे चिन्ह देखा गला नहीं। गोविंद जी ये तो खैर पहले वाला ही है, ये पिछली बार वाला ही है। किंतु आर पटे चिन्ह टीए गोलक धंदा भली मन हेला। देखो ये बच्चे का है। क्या है क्या है? ये किसी बच्चे के पैरों के निशान हैं। इसका मतलब है उनकी आत्माएं आज भी यहाँ है। गाड़ी रो सामना काचो ऊपरे संपूर्ण हाथ चिन्ह। तबे गाड़ी रो काचो ऊपरे शिशु रो पाद चिन्ह आमर होश उड़ाई देला। होई पारे अंधार जोगु कहार हाथ गाड़ी ऊपरे लागी जाइथिबो किंतु शिशुर पादचिह्न रहिबा किपरि संभवपर आमे संदेहरे पड़िलु। मैं अंधविश्वास पे कतई यकीन नहीं रखता, इन बातों पर कतई यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ निशानों के बारे में। आप लोग यहीं रुकिए, आइए। ये निशान जो गाड़ी पे एक हाथ का है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई किसी का हाथ लग गया होगा जबकि कोई यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये छोटे पैरों के निशान जो बच्चे के हैं, यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं है। इस पूरी टीम में कोई भी इतना छोटा नहीं है जिसके पैरों के निशान इतने छोटे हों। आप मान रहे हैं, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये मान रही है कि यहाँ पर कुछ मौजूद है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता सोहेल जी, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा ना ये फिंगरप्रिंट्स बच्चे के दिख रहे हैं, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। जो आँख देख रही है वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब अगर कुछ कहा जा सकता है तो फिर मेरी जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, मेरे EVP। ये निशान किसने बनाया? नहीं, ये इस निशान को तो जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता। एठाकर केयर टेकर किंवा गाइड लोकंकु विभ्रांत करिबा पई एपरी करू नहंती तो तेबे चिन्ह गाड़ी रे आसिला किपरि एहार कौनसी उत्तर आम पाखरे नथिला। इन निशानों की एक्सप्लेनेशन ना मेरे पास है ना पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास है, सिर्फ आलोक जी के पास है जिनका दावा है कि भूत है। है नहीं है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक जगह बाकी है जो इस पूरे कुलधरा की सबसे ज्यादा भूतिया जगह है, वहां चलते हैं और ये फैसला करते हैं कि आखिर कुलधरा में है क्या। सही स्थान थिला कुलधरार बांफी। भूमिरु 100 फुट तले एक कुओ कहा जाए, सेठाकु जिए भी जाइछि अदृश्य शक्ति को भेटिछि।
पारानॉर्मल सोसाइटी रो टीम पांफी भीतर से मानकर अनुसंधान आरंभ कले। तो बस मैं आपसे आपकी जो अज्ञात शक्ति हैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ, आप एक बार मेरी इस मशीन के सामने आके इसकी लाइट जला दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी मौजूदगी यहाँ है। मोशन सेंसर रे लाइट जलिला नहीं तेबे के टू मीटर रो सहाय्य नियागला। अगर आप हैं हमारे आसपास जैसा यहाँ के बारे में लोग बोलते हैं तो क्या इस पर 3 लाइट जला करके बता सकते हैं ताकि हम भी आपकी शक्ति को जान सके। के टू मीटर अनुजाई एठारे आम व्यतीत कौनसी शक्ति नथिला। मुझे बताइए जैसा कि हमने किससे सुने कुछ दिखाई दिया। मैं तो साइंटिफिकली ये चीज़ नहीं कह सकता कि ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद होगी क्योंकि एक छोटी सी चीज़ का दिखना या मौजूद होना तो वो साबित नहीं करता कि यहाँ पर जो है अनजानी ताकतें मौजूद हैं। भूत प्रेत आम टीम बांफी निकटर अन्य घर गुड़िक वैज्ञानिक परीक्षा कले किंतु कौनसी जंत्र रे किछि भी प्रमाण मिलिला नहीं। इंटरनेट पर हजारों किस्से और टेलीविजन पर सैकड़ों कहानियां। फुलधरा के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना था और हमने भी, लेकिन आज पूरी रात यहां बिताने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मुझे यहां कुछ महसूस नहीं हुआ। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम मेरे साथ थी और उन्होंने अपने हर तरह के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित की कि यहां पर जितनी भी बातें होती हैं वो सिर्फ मिथ है, भ्रम है। लेकिन अभी एक टेस्ट बाकी है और वो ये कि हमें बताया गया है कि गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती और रात के अब 2 बज रहे हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। हाँ देखिए, एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी वक्त आ गया है हमारा आपसे अलविदा लेने का। अगली बार आपसे इसी तरह के फिर किसी रहस्य के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।